अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आप सब कैसे हैं? टुडे आई विल टेल यू हाउ टू राइट रिटन वर्क विद पैटर्न। आज मैं आपको बताऊंगी कि आपने अपना रिटन वर्क पैटर्न के साथ कैसे करना है। आपको पता है ना, हमारा सारा वर्क पैटर्न पे होता है, तो मैं आज आपको पैटर्न बताऊंगी, आपकी राइटिंग का पैटर्न बताऊंगी। बिफोर राइटिंग यू पुट आर डेट। राइटिंग से पहले आप डेट पुट करेंगे अपने आज के काम पर जो आप करने लगे हैं, ठीक है। जो भी आप करेंगे उस पर पहले, सबसे पहले आप डेट लगाएंगे और देन फिर आप काम करेंगे। आज मैं आपको बताऊंगी कि 3 full dots पर कैसे लिखते हैं। जॉइन आर डॉट्स प्रॉपरली, देन इट्स मेक, ये बन गया जॉइन आर डॉट्स विद प्रॉपरली। डॉट्स को प्रॉपर से मैच करें तो आपके पास 3 right हो जाएगा। अब मैं आपको बता रही हूँ 3 2 dots पर कैसे राइट करते हैं। छोटा सा हाफ सर्कल बनाइए और उसके नीचे ही उससे मैच करते हुए एक और हाफ सर्कल बना दें। वेरी गुड, ये क्या बन गया? इट्स 3। छोटा सा एक हाफ सर्कल बनाएं और उसके नीचे एक और हाफ सर्कल बना दें। और लाइंस का ध्यान रखें कि कोई भी वर्ड लाइन से आगे पीछे ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। ओप्स, ये तो गलत हो गया। चले आए, हम रेस करते हैं और इसको ठीक कर लेते हैं। हमने ये लाइन से और डॉट से टच करना है। ओ, इट्स डन, ये प्रॉपर 3 बन गया। आपने देखा, थोड़ा सा रेस करने से मेरा वर्क नीट हो गया, मेरा वर्क प्यारा हो गया। इसी तरह से आपने वर्क करने के बाद देखना है कि कोई वर्ड गलत तो नहीं है। तो जो आपको गलत लगे या अच्छा ना लगे तो वो आप रेस करके दोबारा से नीट कर लीजिएगा। चले आए, अब मैं आपको 4 सिखाती हूँ। 4 कैसे बनाते हैं? फुल डॉट्स पर डॉट्स को जॉइन कीजिए प्रॉपरली। वेरी गुड, डॉट्स को मैच करते जाइए। और आपको 1 बनाना आता है ना, यहाँ से इसके इस पॉइंट से उसके एक स्ट्रेट 1 बना दें तो ये 4 बन जाएगा। डॉट्स को जॉइन करते जाइए और इस पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन दे दें, ये 4 मेक हो जाएगा। ध्यान रखिएगा लाइंस का। नाउ मैं अब आपको 3 dots पर 4 बनाना सिखाती हूँ विद पैटर्न। आपने डॉट्स को ज्वाइन किया और स्ट्रेट 1 बना दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। एवरी वर्ड शुड बी टच विद लाइन, हर वर्ड आपका लाइन से टच होना चाहिए। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, ख़ास ध्यान रखना है। उप्स, ये तो गलत हो गया, ये तो मेरा लाइन से नीचे आ गया है ना, तो मैं इसको रेस कर दूँगी। ये अब कुछ ज़्यादा रेस हो गया है तो इसको मैं मैच करूँगी लाइन से टच करने के लिए। थोड़ा सा मैच किया, ये मेरा 4 बन गया। अगर आपको वर्ड्स बनाने नहीं आते हैं तो आपकी प्रैक्टिस कॉपी है, आप प्रैक्टिस कॉपी पे पहले प्रैक्टिस करें, उसके बाद आप अपनी प्रिंटेड कॉपी पे काम करें, ताकि आपके प्रिंटेड कॉपी पे काम रफ नहीं दिखे, गंदा नहीं दिखे, नीट वर्क हो आपका प्रिंटेड कॉपी पे, क्योंकि ये स्कूल में चेक होगा। चले आए, अब मैं आपको 5 बनाना सिखाती हूँ। फुल डॉट्स पे तो 5 बनाना इजी होता है ना, आपको फुल डॉट्स पे काम करना आता है ना। डॉट्स को जॉइन करते जाइए
इस तरह से। और 5 मेक कर दें प्रॉपरली, डॉट्स को प्रॉपरली ज्वाइन किया आपने। कोई भी वर्ड डॉट से या लाइन से ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। ओप्स, ये तो गलत हो गया। चले आए इसको रेस कर नीट करते हैं। ड्यूरिंग वर्क आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपका कोई वर्ड गलत हो गया है तो उसको नीट करना है आपने रेस करके, ताकि आपका काम प्यारा दिखे और आपको नंबर भी अच्छे मिल सके। चले आए मैं अब आपको बताती हूँ 3 डॉट्स पर 5 कैसे ड्रॉ करते हैं। लाइन मेक करें छोटी सी डॉट्स की हेल्प से, ठीक है। फिर एक छोटा सा 1 बनाएं डॉट्स की हेल्प से। और मैंने आपको 3 पर हाफ सर्कल बनाना सिखाया था, इसी तरह से यहाँ पर भी हाफ सर्कल बनाना शुरू कर दें। हाफ सर्कल बनाएंगे तो प्यारा लगेगा और प्रॉपर होना चाहिए। लाइन में की छोटा सा एक 1 बनाया और हाफ सर्कल्स बना दिया। हाफ सर्कल बनाएंगे तो 5 ट्रू हो जाएगा और प्यारा ड्रॉ होगा। ओके स्टूडेंट्स, आज हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा है मैथ का राइटिंग पैटर्न। तो आप लोगों ने इसी के ड्यूरिंग काम करना है, इसी का ध्यान रखते हुए काम करना है कि जैसा पैटर्न मैंने आपको बताया है इसी तरह से आपने पैटर्न का ध्यान रखना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।